देखिए न्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यूपी बोर्ड में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें निकलवा रहा है समांतर माध्य और समांतर माध्य से माध्य विचलन और माध्य विचलन और मानक विचलन, समांतर माध्य, माध्य विचलन और मानक विचलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये समझते हैं दे क्या रखा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों दिए दे रखा है वर्गंतराल 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, ये दे रखा है वर्गंतराल यानी CI। इसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है, तो बारंबारता दे रखी है 3, 4, 8, 10, 15, 0, 20। इसको हमने क्या काम करा, जोड़ लिया सिग्मा एफ को, जोड़ लिया, ये आ गया 60। ठीक है, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज तो समझा चुका हूं ना, अब आपको बताना है ये कैसे कैसे आपने सॉल्व कर लिया, कैसे करके आया। ठीक है, तो आइए विदित, आपका क्या नाम है, विदित। ठीक है, तो विदित जी आप ये बताइए ये x की वैल्यू कहां से आ गई, x की का कालम कहां से निकालते हैं। सर ये 4 को आधा किया है। हाँ ठीक है, वर्गंतराल है, वर्गंतराल को हमने निम्न पद और उच्च पद को आधा कर लिया तो 2 आ गया। जी सर। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसे भी आधा करा तो ये 7 मिल गया। सीधे सीधे आपका कहने का मतलब ये है कि वर्गंतराल से हमने x निकाल लिया, मध्यमान x निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें ये d आपने कहां से निकाल लिया, d। सर ये कल्पित माध्य मान के। अच्छा, कल्पित माध्य मान लिया आपने, मान लो इसमें 17 मान लिया कल्पित माध्य, फिर आपने क्या काम करा, 2 में से 17 घटाया। अच्छा, 2 में से 17 घटा दी तो 15 आ गया माइनस का। इसी प्रकार से 7 में से 17 घटा दिए तो 10 आ गया। 12 में से 17 घटा दिए तो 5 आ गए। ठीक है, आपने क्या काम करा, कल्पित माध्य में, कल्पित माध्य मान के 17 मान के x की वैल्यू आप कल्पित माध्य में से घटाते चले गए तो आपको d मिलता चला गया। बढ़िया, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य का आपने फार्मूला लगा लिया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो आपको d मिल गया। अब आपको मिलना क्या चाहिए, यहाँ एफ डी मिलना चाहिए। ठीक है, आपने एफ डी निकाल लिया तो आपने एफ इंटू डी वाला ये कॉलम आपको कहां से मिल गया, एफ और डी की मल्टीप्लाई कर दी। एफ ये है, डी ये, तो 15 3 45 तो माइनस का 45, 10 4 40 तो माइनस का 40 और 5 8 40 तो माइनस का 40, एफ डी ऐसे करके आ गया। इस सिग्मा एफ डी को जोड़ लिया तो एफ सिग्मा एफ डी को जोड़ लिया तो माइनस माइनस के आपने अलग जोड़ लिए और प्लस प्लस के अलग जोड़ लिए। ठीक है, तो प्लस के ज्यादा है इसलिए यहाँ 250 हो गए, प्लस के बच गए। बहुत बढ़िया, फिर आपने इस सूत्र में लगा लिया ए, तो कल्पित माध्य आपने 17 माना, 17 रख लिया। सिग्मा एफ डी 250 तो 250, सिग्मा एफ 60 तो 60। आपने क्या काम करा, 1 0 से 1 0 काट लिया, 6 से आपने जब डिवाइड करा तो 6 4 24। ठीक है, बचा 1 हो गए 10, तो 6 कम 6 बचे कितने, यहाँ 4 हो गए 40, नहीं 6 कम 6 बचे 4 हो गए 40, 6 7 42, तो ज्यादा हो रहा लगभग 4 6 आ रहा, तो 1 7 कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या काम करा, इसमें 17 प्लस 4.17 को जोड़ लिया तो 21.17। ठीक है, ये समांतर माध्य आपने निकाल लिया। फिर आपने समांतर माध्य से इस डी को निकाल लिया, इस डी को निकाल लिया ना, फिर आपने क्या काम करा आगे इसमें, सर 2 में से 21.17 हाँ, घटा दिया। ठीक है, फिर वही काम करा कि एक्स में से हम इसकी वैल्यू घटाते चले गए समांतर माध्य की। ठीक है, तो हमें ये वाली डी मिल गई। ठीक, जैसे 2 में से आपने घटाया 21.17 तो 19.17, 7 में से घटाओगे 21.17 तो 14.17, 12 में से घटाओगे 21.17 तो ये मिल जाएगा आपको 9.17। इस हिसाब से आपको x में से ये समांतर माध्य घटाते चले गए तो d मिल गया। ठीक है, अब ये माइनस फॉर्म में है ना। जी सर। अब माइनस फॉर्म में को हटाने के लिए आपने क्या काम करा, ये कॉलम ले आए। जी सर, मोडी, मोडी को। ठीक है, तो ये कॉलम मिल गया आपको। फिर आपने इसमें क्या काम करा, एफ डी। जी सर, यानी डी की ये भाई आपकी मल्टीप्लाई, अच्छा इस वाले एफ की मल्टीप्लाई कर दी इस डी से, यानी 19 और 3 की। जी सर, 19 3 57 और पॉइंट है तो पॉइंट 17 ही कर लो, तो 57.51। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है दोस्तों कि डी ये है, एफ ये है, एफ की और डी की जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों कॉलमों की तो आपको ये कॉलम एफ डी बनके तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या काम करा, इन सबको जोड़ लिया, इन सबको जोड़ लिया, जोड़ का टोटल आया 458.30। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर आपने क्या काम करा, ये आगे देखिए एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर आपने कैसे कर लिया, एफ डी स्क्वायर आपने कैसे कर लिया, देखिए एफ डी आपका ये है और इसकी कर ली डी के साथ मल्टीप्लाई तो आपका एफ डी स्क्वायर बन गया। जैसे देखिए एफ डी वाला ये कॉलम है आपका, एफ डी वाला ये कॉलम है और डी ये है, डी ये है, तो आपका ये हो गया एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका कहने का मतलब ये है कि 19.17 और 57.51 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये मिल गया। जी सर,
है ना। तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करी तो एफ डी और डी की मल्टीप्लाई करी तो एफ डी स्क्वायर मिल गया। फिर आपने इसे जोड़ लिया तो एफ डी स्क्वायर का टोटल कितना आया 51.08.34। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने मानक विचलन का फार्मूला लगा लिया। मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितना ही आई है? ये 458.30 लगा लिया। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 60। तो 60। फिर आप ये बताइए, ये देखिए पॉइंट है, ठीक है, दो अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम कितने जीरो? दो जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर हट गया। फिर हम इतने से एक जीरो अभी कट रहा है तो काट देंगे। फिर हम 600 से को 600 से भाग दे देंगे 4583 के लिए, तो हमें ये 600 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7.638। ये तो मिल गया माध्य विचलन, निकल के आ गया फाइनली आंसर। ठीक, अब आपने अगला फार्मूला रख दिया मानक विचलन का। तो मानक विचलन का फार्मूला क्या रख दिया? अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी? ये आई है 510.834। फिर आपने 60 से जब इसे डिवाइड करा तो आपको ये मिल गया अंडर रूट 85.14। और 85.14 को जब भाग दी, वो 85.14 का जब वर्गमूल आपने निकाला तो ये आया 9.227। ठीक है, क्या आप वर्गमूल निकाल लेते हो? ठीक है, अगर मान लो ये है 85.14 है, अगर मैं इसका आपसे वर्गमूल निकलवाना चाहूँ तो वर्गमूल आप निकाल लेंगे? ठीक है, कैसे करके? आप इसमें जोड़े बनाते हो जी? हाँ, आप इसमें जोड़े बना लोगे। ठीक है, फिर ऐसी संख्या से भाग दोगे जो 85 ज्यादा ना हो बल्कि कम रह जाए, जैसे 981। फिर आप घटा लोगे, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इधर पूरा जोड़ा उतार लोगे, यह अंक है तो पॉइंट लगा लोगे यहाँ। फिर जोड़ा उतार लोगे यहाँ, जोड़ा उतार लिया। फिर 9 में क्या करोगे आप? इसमें इस 9 को जोड़ लोगे। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाओगे तो आपका वर्गमूल भी निकालना सीख जाओगे। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में और इस बार भी संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझाते हैं।